हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें ड्रीम हाउस डिज़ाइन एंड टेक और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ये आज का न्यू प्लान जो हमने अपने व्यूवर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इस प्लॉट के साइज़ की बात करें तो ये 21 फीट 21 बाई 43 है। ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इसमें सबसे पहले हम मेन गेट की बात करते हैं तो मेन गेट 8 फीट वाइड है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है कार पार्किंग के अंदर। कार पार्किंग की बात करें तो ये 8 फीट 4 इंच बाय 15 फीट 2 इंच काफ़ी बढ़िया और अच्छी कार पार्किंग है। इसके अंदर हम अपनी इजीली पार्क कार पार्क कर सकते हैं एंड 2 बाइक्स पार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारी सबसे पहले हमने एक कॉमन टॉयलेट दी है यहाँ पर 4 बाय 4 का। यहाँ हम हमारे गेस्ट वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एंट्री होती है गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम की साइज़ की बात करते हैं तो 11 फीट 6 इंच बाय 11 फीट काफ़ी बड़ा एक गेस्ट रूम बनाया हमने। इसमें एक डबल बेड डाल सकते हैं या सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने टीवी लगाई है। और वेंटिलेशन की बात करें तो 4 बाई 4 की एक विंडो दी है हमने। यहाँ से इसके अंदर वेंटिलेशन होता रहेगा और सनलाइट एंटर होती रहेगी। इसके बाद हमारी एंट्री होती है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस की बात करें तो 3 फिट ये वाइड है एंड 10 इंच की इसकी ट्रेड है। ये यहाँ से हमने इस स्टेयरकेस पे एंटर करेंगे और इसके बाद ये लैंडिंग से फर्स्ट फ्लोर पर। इसके बाद हमारी एंट्री होती है हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज़ है तकरीबन 13 फिट 4 इंच बाय 11 फिट 1 इंच है। काफ़ी बड़ा हॉल है। इसके अंदर अपना सोफ़ा सेट वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ हमारी किचन है। किचन के साइज़ की बात करें तो 6 फिट 6 इंच बाय 8 फिट काफ़ी बड़ी किचन है इस घर के हिसाब से। यहाँ हम अपना गैस स्टोव लगा सकते हैं, यहाँ वॉश बेसिन, अपना सिंक वगैरह लगा सकते हैं। इसमें विंडो की बात करें तो इसमें विंडो हमने 4 बाई 4 की दी है। यहाँ से हमारी हॉट एयर वगैरह सब इस घर से बाहर होती रहेगी इस विंडो के ज़रिए। इसके बाद हमारी एंट्री होती है बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज़ है तकरीबन 9 फिट 10 इंच बाई 11 फिट काफ़ी बड़ा बेडरूम है। यहाँ हम डबल बेड लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा वेंटिलेशन होता रहेगा। 3 बाई 4 की एक विंडो दी है हमने। यहाँ एक डोर दिया है। यहाँ से हम अपने OTS में जा सकते हैं, वॉशिंग एरिया के पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक स्टोर दिया है। स्टोर की साइज़ की बात करें तो 4 बाई 5 फिट 4 इंच का काफ़ी बड़ा एक स्टोर है। इसके अंदर हम अपने स्टोर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर के बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 9 फिट 10 इंच बाई 11 फिट काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसके अंदर एक डबल बेड लगा सकते हैं, इधर TV वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एंट्री होती है टॉयलेट के अंदर। ये अटैच टॉयलेट है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये 6 फिट 6 इंच साढ़े 6 फिट बाई 4 फिट 3 इंच काफ़ी बड़ा। इसमें हमने इंडियन WC 2.5 फिट के प्लेटफॉर्म के बाद और बाकी स्पेस वाकिंग स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 2 फिट 2 बाई 2 का एक वेंटिलेटर लगाया। यहाँ से फॉल स्पेल घर से बाहर होती रहेगी। ये है आज का प्लान। आशा करते हैं जिसके लिए हमने बनाया उनको पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिसको भी ऐसा प्लान बनवाना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।